शिवाय। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, शिंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों से स्तुति में गान कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी अवसर पर माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया। यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो मैं क्या जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं, हम उस दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर के शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में श्याम वेद, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। देवी, जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर के श्री पार्वती ने पूछा कि हे महेश्वर, मैंने कब और वह कैसे व्रत किया था, विस्तार के साथ मुझे बताइए, मुझे श्रवण करने की इच्छा। इतना सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, हे उमा, भारत वर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधि से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दाय मान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम है हिमांचल। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने के लिए 12 वर्ष तक तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही, इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या की। और जब भी मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाए, शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देख कर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दोनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ उन्होंने तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वो तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें यथा योग्य आसन देकर उपस्थित होने का कारण जानने को इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती ही हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी से साई भगवान विष्णु योग्य वर हैं, वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं अवश्य अपनी कन्या उमा का वागदान विष्णु जी को करूंगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित किया। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी।
लगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत बताया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या कर सकती हूँ। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको आपके पिता अथवा कोई अन्य खोज ना सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो जाए और तुम्हारा वरण ना कर ले। इस प्रकार सहमति बना करके तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर मेरे नाम की तपस्या करने लगी। जब करने लगी, भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया और तुम्हें वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपने सिर को झुकाया, आप सब जानते हैं, ऐसा कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौटा। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे ना मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देवदानव गंधर्व किन्नर हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर भगवान विष्णु के साथ विवाह करने का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुम्हारे अपने जो किए गए व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित किया और स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तुमसे निपट कर रोने लगे, बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है, यहाँ तुम कैसे अब तक रही, चलो अब घर चलो देवी, तुम देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने पर दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करने के लिए सोच लिया है। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार किया था, हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर के महाराज हिमांचल दुखी बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा, तुम्हारा विष्णु जो व्रत में प्राप्त है अपनी सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा, अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली, सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया, व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है, सौभाग्यशाली सहेली ने जो तुम्हें तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया इसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर ने यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभो आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया, कृपा करके इसकी विधि व पृथक फल को भी बताई। इतना सुनकर के भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का विधान यथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों और सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और बिना जल के करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती को सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र से चंदोवा ताने, फिर स्तुति गान वाद्य भेरी शंख मृदंग झांझ आदि से रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त कर होकर के करें। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कह करके अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें,
आपको जो भी स्तुति याद हो वो माँ पार्वती के लिए गाएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खडानन माता जगत जननी दामिन दुतिकाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन, स्वस विहारन देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इस तरह से आप माँ पार्वती की अपने भाव से स्तुति करें, नमस्कार करें, प्रणाम करें और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होकर सौभाग्यशाली मिलता है, सौभाग्यशाली व्रत मिलता है। देवी जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि को प्राप्त होती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वह बाघिनी स्वरूप को धारण करती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है चींटी का जन्म पाती है। जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त होती है। और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक की वासनी होती हैं। बोले भगवान शंकर की जय। जयति उमा कात्यायनी अभिमत फलदातार, मात निहारो करि कृपा होए सुख संसार। जय जय आदि शक्ति रुद्रानी, जय जय जगदम्बिके भवानी, जय गजवदन खडानन माता, सुयस तुम्हार जगत विख्याता। दुर्गे काल रात्रि देवी, कात्यायनी सिद्ध सुर सेवी, सर्व मंगला नाम सुहावन, भक्त जनन को सुख सुर सावन, शंभु प्रिया गौरी अरु काली, जय जय स्वाहा सुधा कृपाली, चंडी चंड प्रचंड प्रचंडित, कीरति कला सकल जग मंडित, उमा क्षमा अम्बे हुत्व संबे, जयति अपर्णा जय जगदम्बे, ब्रह्मचारिणी मंगल रूपा, हेमवती शुभनाम अनुपा, रूप अनेक अनेकन नामा, भक्त जनन को अति सुख धामा, जय जय माहे श्वरी जगवंदनी, आनंद भरनी कलेश निकंदनी, आदि शक्ति तुम शिव कहाँ प्यारी, रही शंभु चरणन बलिहारी, दक्ष सुता जब सती कहाई, तब हूँ तुम शंकर ही विवाही, जब पितु यज्ञ तजी निज देहा, रहो शंभु पद अमित स्नेहा, तन त्यागत तुम यह वर मांगा, शंभु चरण सो हो अनुरागा, पुनि सोई पार्वती तनु पाई, हिमगिरि के गृह जन्मी आई, शिव के हेतु कियो तप भारी, परम प्रसन्न भये त्रिपुरारी, बर पाए तब शंभु सुजाना, अपने हृदय मोद अतिमाना, कियो ना को तुम तप तुम ही समाना, पति व्रतन में नाम प्रधाना, तुम्हारो नाम सुमिरी
जगमाही नारी पति व्रत धर्म निबाही यह विधि होय सकल उधारा होई सहज भव सागर पारा सब जग है आधीन तिहारे पूजहि तुम ही असुर सुर सारे महासुर बलवान संघारन चंडी रूप कियो तुम धारण शुंभनि शुंभ वसुर संघारे संकट के सब देव उबारे संतत तुम ही सिद्ध सुर सर्वा किन्नर यक्ष नाग गंधर्वा महिमा महा तुम्हारी पावनी पाप शाप त्रिय ताप न सावनी जो कोई ध्यान तुम्हारो लावे सुख संपत्ति नाना विधि पावे जो कोई सेवा करे तिहारी सानुकूल तेही रहे पुरारी देके मन वांछित वरदाना करहु भक्त को तुम कल्याणा महिमा विदित सकल जग माही तुम समदयावंत पौनाही जयति जयति अम्बे कात्यायनी शक्ति भक्ति अरु मुक्ति प्रदायिनी जयति जयति जय आरत हरनी जयति जयति जय मंगल करनी जयति जयति जय सुख संचरनी निज भक्तन के सब दुख हरनी की जय कृपा दृष्टि कल्याणी सुनहु दास की आरत वाणी करहु हृदय में ज्ञान प्रकाशा रहु बेगी संकट को नासा संकट काल मनावहु तो ही दास जानी अपनावहु मोही जयति जयति जननी जगदम्बा कृपा करहु माता विलंबा जो जन ध्यान तिहारो धरी है भवसागर से पार उतरी है सहज ही होय सकल दुख नाशा होय हृदय में ज्ञान प्रकाशा पढ़े नियम से जो चालीसा दुख बिन से सब वी से वीसा जो सत बार पढ़े चित लाई बढ़े सकल विधि से प्रभुताई सुख संपावे संपत्ति लहे प्रगटे भाव पवित्र सकल भांति संसार में वैभव बढ़े विचित्र अम्बे मैया की।